तो अभी दोस्तों कुछ देर पहले ही ना एक न्यू इन्फॉर्मेशन अभी सामने आ चुका है जो कि है हीरो हार्ले का एक न्यू बाइक के बारे में है। और जैसे कि देख ही सकते होंगे इसी न्यू बाइक का एक जो फोटो या फिर इमेज जो है तो वो अभी सामने आया है। और इसके ही बारे में आगे हम लोग इसी वीडियो के अंदर बात भी करने वाले हैं कि ये वाला जो बाइक है तो ये कब तक इसी इंडियन मार्केट में या फिर ग्लोबली मतलब कब तक दिखाया जाएगा या फिर ये वाला जो बाइक है तो इसके अंदर क्या कुछ हमें न्यू न्यू देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकुर कर्मकर, आप देख रहे हो कर्मकर अंकुर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो हाल फिलहाल में दोस्तों अभी एक न्यू इन्फॉर्मेशन सामने आ चुका है जो कि है हीरो कंपनी का ही एक न्यू बाइक के बारे में जो कि हीरो और हार्ले मिलकर बनाएंगे। और ये वाला जो बाइक है ना तो इसका ही एक इमेज जो है तो वो अभी सामने आया है। तो जैसे कि देख ही सकते होंगे ये जो इमेज है ना तो इसी इमेज के अंदर ये वाला बाइक को देखने के बाद तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये एक क्रूजर बाइक है जो कि भाई अभी कहा कुछ ऐसा ही जा रहा है कि 300 से लेके 500 सीसी कैटेगरी के अंदर अंदर ये बाइक होगा। और वैसे ये वाला जो बाइक है ना तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा डिजाइन वगैरह जो भी है तो ये हीरो का और टेक्नोलॉजी जो है तो वो हीरो का मतलब कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स का, लेकिन जो मेन जो इंजन है ना तो वो होगा हार्ले का जो कि मतलब हार्ले ही बनाएगा। और एक साथ ये बॉडी और डिजाइन ये फीचर सारा कुछ मिला के ये एक बाइक हीरो हार्ले का अभी सामने आएगा हमारे। बाकी तो भाई ये जो बाइक है ना तो इसी बाइक के पीछे के जगह पर आप लोग देख ही सकते हो मतलब पीछे के टायर के तरफ। और मैं ऐसा भी क्यों बोल रहा हूं देखने के लिए, क्योंकि भाई इसी बाइक के अंदर ना आपको ये चेन ड्राइव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देख ही सकते होंगे ये जो सिस्टम दिया हुआ है ना तो ये एक बेल्ट ड्राइव का है। तो इसी वजह से भाई इस वाले बाइक के अंदर आपको ये चेन ड्राइव देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि जो मेंटेनेंस है तो वो थोड़ा सा कम होगा। और उसके ही साथ इसी बाइक के अंदर आप लोग एक और भी चीज देख ही सकते होंगे जो कि है सामने दिया गया है यूएसडी फोक्स और पीछे आपको वही कॉयल वाला हाइड्रोलिक शॉक्स देखने को मिलेगा। वैसे भाई ये वाला जो बाइक है ना तो इसके अंदर आपको सामने के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक और पीछे के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक के साथ साथ अभी एक्सपेक्ट कुछ ऐसा ही किया जाएगा कि डुअल चैनल एबीएस का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इसके ही साथ इस वाले बाइक के अंदर जैसे कि देख ही सकते होंगे जो व्हील्स है तो वो एलॉय व्हील्स है। और इसके अलावा इस वाले बाइक का जो डिजाइन है जो भी है तो ये पुराने वाला हार्ले से ही कुछ मिलता जुलता है। और इसके अलावा अभी कुछ कहा ये भी जा रहा है कि ये वाला जो बाइक है ना तो ये 2024 के ही अंदर अंदर इसे इंडियन मार्केट में और उसके बाद ग्लोबली जो डेब्यू है तो वो किया जाएगा हीरो हार्ले की तरफ से। वैसे भाई ये जो बाइक है ना तो इसके अंदर आपको जो लाइट्स का सेटअप है तो वो एलईडी के अंदर अंदर देखने को मिलेगा, मतलब अभी कुछ यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और उसके ही साथ ये भी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो मीटर कंसोल तो वो भी बहुत तक चांसेस ऐसा ही है कि पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला ही देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जो ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी वाला जो फीचर्स है तो वो सारा कुछ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ये भी कुछ कहा जा रहा है कि इस वाले बाइक के अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलेगा ना तो वो तो 300 से लेकर 500 सीसी कैटेगरी के अंदर अंदर होगा। लेकिन भाई इसी वीडियो के अंदर जिस बाइक को देख रहे हो ना तो इस वाले बाइक के अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलेगा तो ये एक V-twin वाला लिक्विड कूल वाला इंजन है। और वैसे हाँ अभी ये भी कुछ कहा जा रहा है कि इस वाले इंजन का जो टॉर्क है ना तो वो आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा ये बीएचपी के तुलना में। और इसके अलावा इस वाले बाइक के अंदर आपको एक और भी चीज देखने को मिलने वाला है जो कि है ये जो फ्यूल टैंक है ना तो वो 11 से लेके 17 लीटर के ही अंदर अंदर का एक जो फ्यूल टैंक है तो वो देखने को मिलेगा। और वैसे हाँ अभी ये भी कुछ कहा जा रहा है कि इस वाले बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना तो वो थोड़ा सा कम होने वाला है। और अभी कुछ यही कहा जा रहा है कि 135 nm से लेके 145 nm के ही अंदर अंदर जो ये ग्राउंड क्लियरेंस है तो वो आपको देखने को मिलेगा इसी बाइक के साथ। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूं क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।